अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो आप भी चाहते हैं क्या आपके भी आम के पौधे में ऐसा ग्रोथ हो, और जिस तरह से मेरा आम के पौधे में आप देखिए हर जितना भी आम का पौधा उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा ग्रोथ आपके भी पौधा में, आम के पौधा में अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए आम के पौधे में अगर ऐसा ग्रोथ आपको चाहिए या आपको 4 महीना या 3 महीने से आपके आम के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रहा है और वो आपको आम के पौधे में ग्रोथ रुका हुआ है, तो जो मैं उपाय जो तरीका बोलूँगा वो तरीका आप अपनाते हैं तो आपके आम के पौधे में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। देखिए ये मेरा जो पौधा था ये 3 महीने से इसका ग्रोथ काफ़ी रुक गया था और अभी के डेट में देखेंगे तो इसमें ग्रोथ ले लिया है। एक कार्टिमोन का पौधा है और देखिए कार्टिमोन के ब्रांच में और भी बहुत सारा बर्ड आना चालू हो चुका है और नया ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से रुका ले लिया है। बहुत 6-3 महीने से इसमें ग्रोथ रुका हुआ था, तो वही मैं तरीका आपको बतलाने वाला हूँ। आखिर जो तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ वो तरीका आप अपनाइए तो आपका भी आम के पौधे में ग्रोथ हो जाएगा। तो देखिए मेरा कार्टिमोन का बहुत सारा प्लांट है और जितना भी प्लांट है सब में मेरा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी हो रहा है और बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसमें मंजर भी आया हुआ है और बहुत में ग्रोथ भी हो रहा है। तो आखिर क्या तरीका है जो मैं आपको बतला रहा हूँ वो तरीका आप अपनाएंगे तो आपके भी आम के पौधे में ऐसा ही ग्रोथ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आम के पौधा जब भी आप नर्सरी से लेके आते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं तो सबसे पहले उसको 1-2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, उसको आते ही रिपोर्ट मत कीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा मिट्टी बनाना है, अच्छा और हल्का सा मिट्टी बनाइए, ऐसा भुरभुरी टाइप मिट्टी बनाएं ताकि इसका जो जड़ रहता है वो थोड़ा उसको अच्छा मिले, उसको थोड़ा ग्रोथ होने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा वो नहीं पहुँचना पड़े। इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका आम के पौधा में अच्छा मिट्टी बना के भी आप लगा दिए फिर भी आपके पौधे में 1-2 महीने के बाद ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है फंगस का अटैक हो सकता है या फंगस का अटैक भी हो जाने के कारण भी आपका आम के पौधे में ग्रोथ नहीं होता। तो एक बार आप कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधे में करके रखिए। इसके बाद भी अगर आपका ग्रोथ नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक बार फंगिसाइड का आपका पत्ते पे भी स्प्रे करना है और मिट्टी में भी डाल के देना है। कभी कभी क्या रहता है मिट्टी में भी फंगस लगकर पकड़ लेने के बाद भी आपका आम के पौधे में ग्रोथ नहीं होता है तो आप वो भी करके देखिए। इसके बाद भी अगर मान लीजिए आप खाद दे दिए, मान लीजिए आप ह्यूमिक एसिड भी दे दिए, सीवीड भी फर्टिलाइज़र दे देते, इसके बाद भी अगर आम का पौधा में आपका फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो एक तरीका आपको मैं करके बतला रहा हूँ वो तरीका आप अपनाइए। जब भी आप नर्सरी से लेके आते हैं आम के पौधा तो कभी कभी क्या रहता है नर्सरी या ऑनलाइन में पहले से ऑलरेडी उसमें फंगस का अटैक लग चुका रहता है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको आम के पौधा में फंगस का अटैक है या कुछ पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको आम के पौधा रहता है तो आपका ऊपर वाला जो बड अब दिखता है ना वो बड आपको उंगली से या नाखून से उसको हटा दीजिए। उस बग में भी उस जो बड रहता है उसमें भी कभी कभी क्या रहता है फंगस का अटैक हो गया रहता है और काला पड़ गया रहता है, जिसके कारण क्या रहता है आम का पौधा में आपका ग्रोथ काफ़ी रुका हुआ रहता है। आप उसमें कितना भी खाद दे देंगे, पानी भी दे देंगे, फिर भी उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो उसमें जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा खाद अथी ये कहा रहता है कि आप उसका मतलब आप सोच सकते हैं उसका फंगस का जो भी अटैक रहेगा वो आप हटा सकते हैं, तो आप उन नाखून से उसको हटा दीजिए। हटा देने के बाद आपको क्या करना है, शुरुआती दौर में एक बार और आपका फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ह्यूमिक एसिड और बहुत ही कम मात्रा में लेना, 1 चुटकी ह्यूमिक एसिड लेना है और 1 ही चुटकी आपको लेना है सीवीड का जो लिक्विड वाला आता है वो आपको यूज करना है। वो दोनों आप यूज करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, पानी में 2 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको कितना बार करना है, तो ये स्प्रे आपको करना है हर 3 से 4 दिन में आपको स्प्रे करना है। फिर देखिए देखिए मेरा आम का जो भी प्लांट है उसमें कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। ये आपका थाई ऑल टाइम का प्लांट है और इसमें भी देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो आपको हर 5 से 6 दिन में एक बार स्प्रे करना है 1 महीने तक। आप देखिए आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ उसमें काफ़ी तेज़ी से आपका आम का पौधे में ग्रोथ हो जाएगा। मगर जो मैं तरीका बोला हूँ आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा, वो सारे के सारे आपको फॉलो कीजिए, आपका आम का पौधे में बोलता हूँ 100% आपका ग्रोथ आपका तेज़ी रहेगा, कभी भी आपका आम का पौधे में ग्रोथ नहीं रुकेगा।
अगर ये चीज़ आप अपनाते हैं अच्छी तरह से, तो आपका आम के पौधा में कभी भी ग्रोथ रुकेगा नहीं, काफ़ी तेज़ी से आपका बना रहेगा। तो आप होमिक एसिड का सी बीट का स्प्रे आपको हर 5 दिन पे करना है, जब तक उसमें नया बड या आपका ग्रोथ आपका होना चालू ना हो जाए। पर एक चीज़ याद रखें, जब आपके आम के पौधे में ग्रोथ हो जाए फिर आप रोक दीजिए उसको, फिर उसको कंटिन्यू मत कीजिए, फिर आपके आम के पौधे में काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ आपका होता रहेगा। तो ये फॉलो कीजिए, आप ये चीज़ आपको फॉलो करते हैं तो आपके आम के पौधे में हमेशा ग्रोथ चालू रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो ऐसा ही अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड और आम के पौधे से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको देता रहूँगा। जब तक के लिए फिर मिलूँगा अगले वीडियो के, बाय बाय, शुक्रिया।